बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। भाजपा छोड़कर बसपा ज्वाइन किया, इस बारे में क्या कहेंगे? भैया मुझे कहने के लिए कुछ शेष नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में। 32 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में झाड़ू से लेकर झंडा लगाना और संघर्ष करना, सपा बसपा सबके खिलाफ मैंने संघर्ष किया। जवानी के सारे दिन और जवानी के सारे रक्त हमारे शरीर का भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया और ऐसे मझधार में मुझे जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी उसके बाद से मैं कितना अपमान, उस अपमान को अब अपने जीवन को मुझे बचाना था, इस नाते मैं बहन जी के शरण में गया और बहन जी ने मुझे जो सम्मान दिया है जो आज के 32 साल के अपने आयु में कभी मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी दल ने नहीं दिया, इस नाते अब जो मेरा जीवन शेष बचा हुआ है वो बहन जी को समर्पित करके, और बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि तुम जाओ, तुम वहाँ के कैंडिडेट बनोगे, मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा, ये आशीर्वाद बहन जी। भाजपा सरकार की नीतियाँ खाली पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने की नीतियाँ हैं, ये दूसरे के किए हुए कामों का ढिढोरा पीट रहे हैं। और इटवा विधानसभा को वर्तमान में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, वो तो शून्य से शिखर पहुंचा चुके हैं। जो रामपाल सिंह के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, बसपा सरकार के द्वारा, समाजवादी सरकार के द्वारा जितनी कार्यक्रम जितनी योजनाएं चलाई जा रही थी, उन्हीं का नाम बदल बदल करके ये जनता को धोखा दे रहे हैं। एक भी धान किसी किसान का 1450 रुपये में किसानों ने DAP खाद खरीदी है, लाइन लगा के खरीदी है, ठंडा खा के खरीदी है, एक भी छटाक न धान किसी किसान का खरीदा गया। किसान पूरे देश के आपके दिल्ली बॉर्डर पे सब आंदोलित हैं और ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक ये उड़ा रहे हैं कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये भिंडरा वाला ग्रुप है, ये है वो है, मतलब खाली लफाजी करना, झूठ बोलना, और झूठ के चंगुल में ऐसा फंसा करके पूरे दुनिया पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। हम जब टेलीविज़न पर बैठते हैं तो अपने देश की खबरें कम दिखाई जाती हैं, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान यही दिखाया जा रहा है।